हे गणपति महाराज, थोड़ी मदद कीजिए ना माधव को मनाने में। एकादशी से पहले माधव दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो ही जाएगा। जब मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे दूसरी बार शादी नहीं करनी है, तो फिर आप मेरे लिए दूसरा रिश्ता क्यों ढूंढ रही? तेरी माँ को तेरी बहुत चिंता है माधव। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढ कर रहूंगी। नीलांबरी देवी जी का व्रत है, इन्होंने प्रण लिया है कि सूर्य अस्त होने के पश्चात ही अंगारों पे चलेगी। ये क्या कर रही हो? नीलांबरी देवी जी का व्रत है, इन्होंने प्रण लिया है कि सूर्य अस्त होने के पश्चात ये अंगारों पे चलेगी। सुना है माधव बाबू की दूसरी शादी करने के लिए ये इतनी कड़ी तपस्या कर रही है। ये क्या कर रही हो? मैं आप ही के पास आ रही थी, आपको एक खुशखबरी देनी थी, और बहुत उत्साहित हो गई इसलिए आपसे टकरा गई। सॉरी। माधव ने ना मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया है। हे जल देवता, बड़ी माँ ने कहा है कि अगर माधव से शादी करनी है तो उसके लिए यहाँ से एक फूल तोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित करना होगा। उससे माधव हमेशा खुश रहेगा और ठीक रहेगा। और आप तो जानते हो ना कि उसकी ये बावरी भुज माधव के लिए कुछ भी कर सकती है। किसने हाथ उठाया वैदेही पर? किसने हाथ उठाया? किसकी हिम्मत हुई वैदेही पर हाथ उठाने की? अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है धामरत जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। उस भिखारन ने नीलांबरी ठाकुर को टक्कर दी। उस माधव की दोस्त को इस घर से बाहर निकालने के लिए मुझे मेरा ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा। अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है दामाद जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। उस भिखारन ने नीलांबरी ठाकुर को टक्कर दी है। उस माधव की दोस्त को इस घर से बाहर निकालने के लिए मुझे मेरा ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा। माधव को अपने वश में करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, अब आपने जो सोचा है आज से वैसा ही होगा जैसा आज हुआ था। जो आपने सोचा था। चित्रा की बार बार याद दिलाने से माधव के मन में चित्रा की जगह कहीं और पक्की ना हो जाए। नीलांबरी का कभी कोई वार खाली नहीं जाता। माधव को चित्रा की याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि चित्रा की यादों की मिट्टी वो गवार लड़की धीरे धीरे साफ करती जा रही है। माधव जब सो रहा होगा तो चुपके से जाकर उसके गालों पर लगा देना, और फिर देखना इसका कमाल। थैंक यू जीजी, अब देखना माधव तुझे मुझसे प्यार हो जाएगा और तू शादी के लिए भी मान जाएगा। इतनी देर पहले आ गया, अभी तक नहीं सोया, पता नहीं क्या काम करता रहता है। देख लिया मैंने,
बोल क्या काम है? कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही। अरे बोलना क्या काम है? बोला ना कुछ नहीं, तू जल्दी से अपना काम खत्म कर ले और सो जा, बस यही कहना था। इस कवार को लगता है बहुत होशियार है, लेकिन है एक नंबर की बेवकूफ। सोया क्यों नहीं अभी तक? जाके सोया, चलो लग जाओ काम पे। आज मेरा दोस्त मुंह खोल के ही सोता है। चल फैदे, लग जाओ अपने काम पे। हे भगवान जी, कोयल के अंडों से बने इस काजल से ना कोई जादू हो जाए। जी जी मेरी इतनी मदद कर रही है, अब इसकी वजह से ना माधव मुझसे शादी करने के लिए मान जाए बस। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन लाएगा। मैं ले आती हूँ रानी दीदी। रानी दीदी आप मुझे पर्ची दीजिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। कितना आसान है इस गवार को बेवकूफ बना। माधव यार, वैदेही अंदर जंगल में चली गई है, उसे पता भी नहीं कि जंगल कितना खतरनाक है। अंदर पूरे तार ही तार लगे हुए हैं करंट के। वैदेही, दरअसल हम अपनी बीवी से बहुत तंग आ गए हैं। बताइए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि बस वो अचानक जो है हमारी सुताई करने लगती है। जब कभी भी भाभी जी आपको मारे तो आप उसको एंजॉय कीजिए। अरे खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो पगली, कम ऑन, सूत मी। अजय भवानी बहुत बढ़िया। आपकी जोड़ी किसी और के साथ ही अच्छी लगती है। किसके साथ? हमारी मापू के साथ। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। वृंदावन वासियों, तुम सब मरोगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप एक साथ मिलकर करते हैं श्री कृष्ण और वृंदावन वासियों का अंत करने का प्रयास, और असुरों के इस अचानक आक्रमण से कान्हा हो जाते हैं आश्चर्यचकित। वृंदावन के ऊपर कोई संकट है, मुझे शीघ्र वृंदावन पहुंचना होगा। याददाश्त खोने के बाद भी इसे जोधपुर याद था, मेरा घर याद था, मैं याद था। मुझे फंसाने चली आई, गलती हो गई जो पिछली बार जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अब वो गलती दोहराऊंगा नहीं। वेदेता, अज्ञानता के दानव का हुआ था सृष्टि पर आक्रमण। विष्णु, अगर भगवान विष्णु थे संपूर्ण मानवता के रक्षक, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप तो मुख धरते।
अलग हो जाएगा। फिर क्यों दिया देवी लक्ष्मी ने विष्णु को सिर कटने का श्राप?